हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। शिक्षा निदेशालय की तरफ से ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर्स की वैकेंसी आई है ग्रुप बी की। अगर हम यहां पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 380 पदों पर जो है वैकेंसी निकाली गई है। पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी 44,900 से लेकर 1,42,000 तक सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, सिलेक्शन जो है कैसे रहेगा? तो यहाँ सिलेक्शन जो है वो मेरिट के आधार पर रहेगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस की वैकेंसी है। बाकी चीजें हम नोटिफिकेशन में देखेंगे। ऑनलाइन ही आप लोगों को अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले जो है हम मेन वेबसाइट पर जैसे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचर रिक्रूटमेंट पोर्टल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी है। या यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट आपको नजर आ रहा है, इसे जो है आप ओपन करेंगे तो यहाँ सारा प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं 9 दिसंबर सैटरडे से। लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का रहेगा 30 दिसंबर। बाकी जो है विज्ञापन देखने के लिए यहाँ लिखा है रिक्रूटमेंट नोटिस, और रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जो है विज्ञापन देख लेते हैं। तो ये जो है पूरा विज्ञापन है, वैकेंसी नोटिस रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट ट्रेन्ड टीचर इन द डिफरेंट सब्जेक्ट। अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसी है, ग्रुप बी की है। नेम ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन्ड टीचर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 380 है। पे लेवल मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर पे लेवल परमानेंट है, बिल्कुल रेगुलर वैकेंसी है। पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज एंड संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, सोशल साइंस में जो है बंगाली एंड हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम तीनों की वैकेंसी है। सोशल साइंस में अगर बंगाली की देखें तो यहाँ पर 6 वैकेंसी हैं, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 93 है यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में है, तीनों ही जो है यहाँ पर माध्यम है, बंगाली में जो है वो 6 वैकेंसी है, हिंदी और इंग्लिश में 61 है। लाइफ साइंस में जो है वो बंगाली में 7 वैकेंसी है। लाइफ साइंस में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं या इंग्लिश मीडियम से तो 45 वैकेंसी है। ठीक है, फिजिकल साइंस में जो है यहाँ पर 9 वैकेंसी है बंगाली मीडियम में, उसके बाद फिजिकल साइंस हिंदी और इंग्लिश में 59 है। तो टोटल नंबर ऑफ जो है यहाँ पर वैकेंसी आई है 380, और बाकी जो है यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी जो है यहाँ पर टोटल 205 है 380 में से। ओबीसी के लिए यहाँ पर 121 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 38 है एंड एसटी के लिए 16 वैकेंसी है। एज लिमिट जो है यहाँ क्या कही गई है? तो एज लिमिट जो है यहाँ पर अधिकतम जो है 30 वर्ष, ये जनरल कैटेगरी की है, और एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर दिया गया है 5 साल एसटी, ओबीसी 3 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व कैटेगरी 10 साल की, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के 13 साल की, पीडब्ल्यूडी एसटी के 15 साल की। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अब हम यहाँ पर जो है ये पूरा जो है मैंने अच्छे से पढ़ लिया है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में बीएड होना चाहिए, और आप लोगों का सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। ठीक है, कोई भी राज्य का टेट नहीं चलेगा, केवल चलेगा यहाँ पर सीटेट पेपर 2। यहाँ लिखा है कि हिंदी जो है आपने भाषा के रूप में 8th क्लास में पढ़ा हो। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा मेरे ख्याल से जिन्होंने 8th में हिंदी नहीं पढ़ी है। ठीक है, और बाकी 10th में जो है हिंदी या इंग्लिश या बंगाली या तमिल या तेलुगु एक भाषा के रूप में पढ़ा हो, तो हिंदी या इंग्लिश जो है ये दोनों तो पढ़े ही रहते हैं, ये कंडीशन है। अभी जो है सब्जेक्ट वाइज जो है यहाँ ग्रेजुएशन में आपने क्या पढ़ा है, तो जीटीटी लैंग्वेज, जीटीटी मतलब ग्रेजुएट ट्रेन्ड टीचर्स। ठीक है, तो भाषा के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं सब्जेक्ट जो आपको दिखाए हैं तो उसमें हिंदी या इंग्लिश या तमिल या बंगाली या तेलुगु या संस्कृत, आपने मेन जो है लैंग्वेज के रूप में ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा होना चाहिए तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। यानी ग्रेजुएशन में आपके किसी से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपके होना चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कहा गया है बैचलर डिग्री लेवल विद एनी टू ऑफ, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, फिजिकल साइंस के लिए यहाँ फिजिक्स या केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट आपका मेन होना चाहिए फिजिक्स या केमिस्ट्री में से। ठीक, ग्रेजुएशन लेवल पर लाइफ साइंस, बॉटनी या जूलॉजी इसमें से एक होना चाहिए। सोशल साइंस के लिए आप देखें हिस्ट्री या जोग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसमें से केवल एक सब्जेक्ट जो आपने बैचलर डिग्री लेवल पर पढ़ा हो मेन सब्जेक्ट के रूप में,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि एक और कंडीशन देते हैं हमेशा ही कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो है इनमें से एक कंपलसरी तो होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो चार सब्जेक्ट है इसमें से केवल एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन लेवल पर। होम साइंस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मेन सब्जेक्ट आपने होम साइंस पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए और क्या मांगा गया है, तो ग्रेजुएशन में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, साथ में आपके पास जो है बीएड होना चाहिए, ठीक है, या फिर यहाँ लिखा है 1 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, ये हो सकता है, सी टेट पेपर 2 पास होना चाहिए, 8th में और 10th में आपने जो है ये जो भाषा है आपने पढ़ी हो, जैसे हिंदी है आपने 8th में पढ़ी हो, हिंदी इंग्लिश बंगाली तमिल तेलुगु इनमें से एक आपने 10th में पढ़ी हो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है क्या कहा गया है, तो यहाँ द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी मेड एज पर देयर एकेडमिक वेटेज ऑफ मार्क्स राइट फ्रॉम क्लास 10th एज पर अप्रूव्ड मार्किंग स्कीम गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स के पास जो है जिन्होंने बीएड किया है, 1 साल का बीएड स्पेशल एजुकेशन में किया है, तो उनके लिए यहाँ पर कंडीशन जो है वो आप देख सकते हैं इस तरीके से है, यानी कि यहाँ पर जो है 100 मार्क्स में से सिलेक्शन रहेगा। इसी तरीके से जिन स्टूडेंट ने बीए बीएड या बीएससी बीएड किया है तो उनके लिए भी जो है 100 मार्क्स में से ही जो है सिलेक्शन रहेगा, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर जो है आपके जो मार्क्स होंगे उसी के आधार पर सिलेक्शन रहने वाला है। यहाँ लिखा हुआ है फाइनल सिलेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट फॉर टू द पोस्ट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट या सिलेक्शन लिस्ट। आवेदन करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले मेन वेबसाइट पर आना है, और ये लिंक है जिसे मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आ सकें और आवेदन कर सकें। लास्ट डेट जो है वो 30 दिसंबर रहेगी रजिस्ट्रेशन की, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये वैकेंसी जो है वो कहाँ से आई है, तो अंडमान तथा निकोबार प्रशासन शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर्स की, ठीक है। तो मेन वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आपको आना होगा, और सबसे पहले आप लोगों को यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ऐसे ही वैकेंसी के वीडियो बिल्कुल आप लोगों को मिलते रहेंगे लगातार, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को जो है इसका लाभ हो सके, और भी स्टेट की अगर वैकेंसी आती है तो बिल्कुल आप लोगों को बताई जाएगी। थैंक यू।